अतीक के बेटे असद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। शूटर गुलाम मोहम्मद भी ढेर। एसटीएफ ने झांसी में लोकेशन मिलने के बाद एनकाउंटर किया। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर झांसी में एसटीएफ ने किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही ये फरार थे। एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया। एनकाउंटर की खबर उस वक्त सामने आई जब प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। अतीक अहमद को मंगलवार को साबरमती जेल से प्रयागराज कोर्ट लाया गया था। उसके भाई अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को दोनों से उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करनी है। उसके पास 200 सवालों की लिस्ट है। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। यह सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया था। फोन पर डांट कर उसने शाइस्ता परवीन से कहा था, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज इसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड ना खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।